गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, ऑनलाइन क्लासेज में आपका स्वागत है। इससे पिछली कक्षा में अपना टॉपिक था भाषा का अर्थ, भाषा का महत्व, भाषा की विशेषताएं। आज अपना टॉपिक जो है वो भाषा के, सामान्यतः भाषा के क्या कार्य हैं, भाषा के कार्य के बारे में रहेगा। तो भाषा के कार्यों की बात करें तो किसी भी व्यक्ति के जीवन में भाषा जो है बहुत महत्वपूर्ण है। भाषा का सबसे महत्वपूर्ण कार्य विचारों, भावनाओं, संवेगों के माध्यम से सामाजिक संदर्भ में संप्रेषण जो है वो करना है। मनुष्य ही एकमात्र ऐसा जीव है जो भाषा के माध्यम से अपने विचारों को जो है वो अभिव्यक्त करता है, यानी भाषा का प्रयोग मनुष्य के द्वारा ही किया जाता है। अपने जो भी विचार हैं, जो भी भावनाएं हैं, वो जो है भाषा के माध्यम से ही मनुष्य, मानव व्यक्ति जो है एक दूसरे को जो है देता है, प्रकट करता है, अभिव्यक्त करता है। कुछ ऐसे पक्षी भी हैं जो इस प्रकार जो है संकेत के माध्यम से, एक तरह से सांकेतिक भाषा का प्रयोग करते हैं, अपने जो विचार हैं, अपनी जो भावनाएं हैं, अपने अंदर के जो उद्वेग हैं उनको जो है प्रकट करने का प्रयास करते हैं। वो जो पक्षी हैं या मान लो कि पशु हैं, वो कुछ है जो संकेत काम में लेते हैं। संकेत जो उनके द्वारा मान लो प्रयोग किया जाता है वो सीमित मात्रा में होते हैं, यानी कुछ सीमित संकेतों का ही वो उपयोग करते हैं। बहुत अधिक जो है मान लो कि संकेतों का उपयोग वो नहीं करते हैं। तो मानव ही एक ऐसा मान लो कि व्यक्ति है, मनुष्य जाति एक ऐसी व्यक्ति है, एक ऐसी जाति है जो मान लो कि भाषा का प्रयोग करती है। तो भाषा के कार्यों की बात करें तो भाषा के कार्यों में प्राथमिक कार्य एवं द्वितीय कार्य, यानी सबसे पहला जो है प्राथमिक कार्य आता है। भाषा के कार्यों को दो भागों में जो है वर्गीकृत किया गया है, प्राथमिक कार्य एवं द्वितीय कार्य। तो प्राथमिक कार्य वे कार्य होते हैं जो सबसे पहले जो है किए जाते हैं। प्राथमिक कार्य भाषा का मनुष्य के लिए प्राथमिक कार्य अभिव्यक्ति करना है। हम अपने विचारों, भावों और संवेगों को भाषा के माध्यम से अभिव्यक्त करते हैं। भाषा का प्रयोग संप्रेषण या अंतः क्रिया के लिए किया जाता है। इस प्रकार भाषा का प्राथमिक कार्य है जो है वो है कार्य अभिव्यक्ति करना। दूसरा द्वितीय कार्य अगला आता है, द्वितीय कार्य। तो द्वितीय कार्यों में जो है कुछ और वर्गीकरण कर रखा है। द्वितीय कार्यों में पहला आता है निर्देशात्मक कार्य, यानी निर्देश देना। निर्देश देना ये द्वितीय कार्य होता है भाषा का। निर्देश जैसे एक शिक्षक है वो अपने छात्रों को जो है लिखित में या मौखिक लिए जो है निर्देश देता रहता है। परीक्षा होती है तो परीक्षा हॉल में बैठ मान लो कि एक जो शिक्षक के रूप में जो व्यक्ति है, जो शिक्षक है, वो स्टूडेंट्स को अलग अलग प्रकार के निर्देश देता है कि आपको क्या करना है, किस प्रकार से आपको पेपर को जो है मान लो कि एक तरह से पढ़ना है, क्या एंट्रीज आपको जो है कंप्लीट करनी है। वो परीक्षा हॉल में जो है परीक्षा संबंधी जो भी निर्देश होते हैं उनको जो है वो छात्रों को बताता है। एक जो चौराहे पे खड़ा पुलिसकर्मी है, पुलिस वाला है, वो भी जो है दिशा निर्देश, ट्रैफिक जो भी मान लो कि व्हीकल आते हैं, जो भी व्यक्ति आते हैं उनको जो है समय समय पर जो है वो देता रहता है। गाड़ियों को रुकने के लिए, जाने के लिए मान लो अपन देखें तो एक चौराहे पे खड़ा पुलिस वाला जो है वो निर्देश देता है कि इधर जाइए, इधर मत जाइए। तो पहला कार्य हो गया निर्देशात्मक कार्य। दूसरा संप्रेषणात्मक कार्य। भाषा संप्रेषण का सबसे अधिक प्रभावी साधन है। संप्रेषण के कुछ सांकेतिक सिद्धांत भी होते हैं, लेकिन पूर्ण अर्थ केवल भाषा के माध्यम से ही समझा जा सकता है। प्राचीन काल में जब भाषा का विकास नहीं हुआ था, उस समय संकेतों के माध्यम से ही जो है संप्रेषण कार्य किया जाता है। यानी संकेत के माध्यम से ही एक तरह से एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति को जो है अपने विचार देता था। तो अब जो है वर्तमान में संप्रेषण प्रणाली का विकास जो है होता चला गया और आधुनिक युग में भाषा संप्रेषण का एक महत्वपूर्ण जो है माध्यम माना जाता है। अगला कार्य आता है सौंदर्यात्मक कार्य। भाषा का सौंदर्यात्मक कार्य भी जो है होता है। एक बालक में अनेक स्वयं भावनाएं जो है वो विद्यमान होती हैं, जिन्हें वह अभिव्यक्त करता है, लेकिन उसके पास उचित भाषा का अभाव होता है
व्यक्ति के पास एक जो छोटा बच्चा होता है उसके पास उसकी भावनाएं होती हैं, उसकी विचार होते हैं, लेकिन वो अभिव्यक्त कैसे करे उनको, उसके पास जो है भाषा नहीं होती है, छोटा बच्चा होता है। तो कवि और लेखक सौंदर्यात्मक जो भी संवेग होते हैं उन संवेगों को जो है अपनी कविता के माध्यम से, अपने लेख के माध्यम से जो अभिव्यक्त करते हैं। जब हम उन्हें पढ़ते हैं तो हमारी सौंदर्यात्मक अभिव्यक्ति की जो है संतुष्टि होती है। इस प्रकार जो है सौंदर्यात्मक कार्य हो गया। तीसरा चौथा कार्य है सांस्कृतिक कार्य, भाषा का जो है सांस्कृतिक कार्य। भाषा प्राकृतिक रूप से ही परिरक्षित होती है। एक व्यक्ति अपने अनुभवों, भावों, ज्ञान, कौशलों को जो है भाषा के माध्यम से जो है प्रकट करता है और इसे आवश्यकता पड़ने पर दूसरों को भी जो है वो देता है। हम हमारी संस्कृति को भी जो है भाषा के माध्यम से ही एक तरह से क्या है सुरक्षित रखते हैं और अगली पीढ़ी तक जो है शब्दों के माध्यम से ही हम जो है उनको पहुंचाते हैं। अगला अपना जो कार्य है वो है संप्रेषणात्मक प्रयोग, अर्थात ये भाषा का एक महत्वपूर्ण जो है प्रयोग है। इस प्रयोग में बालक अपनी सूचना को दूसरों के साथ है बांटता है। अगला कार्य अपना है संप्रेषणात्मक प्रयोग। तो इस प्रयोग में बालक जो है अपने कार्य को दूसरों के साथ जो है वो बांटता है। अपनी जो भी सूचनाएं हैं, जो भी अपने स्वेग हैं, भावनाएं हैं, उनको दूसरों के साथ है बांटता है और नई सूचनाओं को जो है वो ग्रहण करता है। और भाषा के माध्यम से ही यह जो है एक तरह से मान लो कि अपन बोलें तो अपना विकास करता है। भाषा का यह प्रयोग बालक के बाद के स्तरों पर भी जो है करता है, यानी बाद में जैसे जैसे वो मान लो उसकी ग्रोथ होती है तो भाषा के माध्यम से ही वो जो है एक तरह से इन सभी का जो वो प्रयोग करता है। इस प्रकार जो है आज अपन ने पढ़ा कि भाषा जो है उसकी क्या क्या कार्य होते हैं। तो आपको बताया कि एक बार दोबारा रिविजन कर लो कि भाषा के जो कार्य हैं उनको दो भागों में बांटा गया है, प्राथमिक कार्य एवं द्वितीय कार्य। प्राथमिक कार्य है कि अभिव्यक्ति करना, भाषा का प्राथमिक कार्य है अभिव्यक्ति करना। द्वितीय कार्य अगला है द्वितीय कार्य। द्वितीय कार्य को जो है कुछ भागों में डिवाइड किया है, उसमें आपको बताया निर्देशात्मक कार्य हो गए, संप्रेषणात्मक कार्य हो गए, सौंदर्यात्मक कार्य हैं, सांस्कृतिक कार्य हैं, संप्रेषणात्मक प्रयोग हैं। तो इस प्रकार ये जो है भाषा के कुछ कार्य हैं। बाकी अपन जो है नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। धन्यवाद।